नमस्कार दोस्तों, इस पोस्ट में शेयर करेंगे शनि जयंती पर क्या नहीं खाना चाहिए और किस लिए नहीं खाना चाहिए। शनि जयंती यानी शनि देव का जन्म उत्सव का पर्व मनाया जाएगा 19 मई 2023 शुक्रवार के दिन। शनि देव अत्यंत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। इस दिन शनि देव की पूजा करने से कभी ना खत्म होने वाला सुख प्राप्त होता है, लेकिन शनि जयंती पर कुछ सावधानी जरूर बरतें, कुछ नियमों का पालन अवश्य करें, तभी इसका फल प्राप्त होगा। शनि जयंती के दिन कुछ चीज़ों का सेवन करने की मनाही है। मान्यता है कि ऐसा करने पर शनि देव क्रोधित हो जाते हैं और इसके बुरे परिणाम हमें जीवन भर भुगतने पड़ते हैं। तो आइए जानते हैं कि शनि जयंती पर किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। शनि जयंती पर दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। शनि जयंती का पूरे दिन शनि देव का प्रभाव तेज रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दूध का संबंध शुक्र ग्रह से है। शुक्र यौन इच्छाओं का कारक ग्रह है, वहीं शनि देव का संबंध आध्यात्म से है। ऐसे में शनि जयंती पर दूध के सेवन से बचें। कहते हैं इससे घर में अपव्यय बढ़ने लगता है, वैवाहिक जीवन में परेशानियां शुरू हो सकती हैं, शुक्र कमजोर होगा और इस दिन दूध का सेवन करने से शनि दोष भी लगेगा और शनि देव रुष्ट हो जाएंगे। इससे अशुभ परिणाम जीवन में देखने को मिलेंगे, इसलिए शनि जयंती के दिन दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। शनि जयंती पर लाल मिर्च का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में शनि देव को उग्र स्वभाव का माना गया है, यही कारण है कि शनि जयंती के दिन लाल मिर्च जैसे ज्वलनशील पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। शनि देव के क्रोध और अशुभ प्रभाव से बचना चाहते हैं तो शनि जयंती पर लाल मिर्च का त्याग करें, अन्यथा जीवन मुश्किलों से घिर जाता है। शनि जयंती के दिन लाल मिर्च का सेवन करने से कुंडली में शनि उग्र होंगे, जिससे जीवन की पीड़ा बढ़ जाएगी, इसलिए इस दिन लाल मिर्च का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ शनि जयंती पर मसूर की दाल का सेवन भी नहीं करें, क्योंकि मसूर की दाल का रंग लाल होता है। मसूर दाल से मंगल ग्रह का गहरा संबंध है। इसके सेवन से व्यक्ति का स्वभाव क्रोधी हो जाता है। शनि जयंती के दिन मसूर की दाल का सेवन गलती से भी ना करें, ऐसा करने पर बुरे परिणाम झेलने पड़ेंगे। शनि जयंती पर मसूर की दाल का सेवन करने से शनि देव क्रोधित होते हैं और जिसके फलस्वरूप जीवन में अशुभ प्रभाव पड़ता है। इस साल शनि जयंती शुक्रवार को है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का होता है, ऐसे में इस दिन खट्टी चीज़ें और भोजन में भी खट्टे पदार्थ का सेवन ना करें। मान्यता है इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, अनावश्यक धन खर्च बढ़ने लगता है। शनि देव और माँ लक्ष्मी के दिन खट्टा नहीं खाना चाहिए, इससे शनिदेव और माता लक्ष्मी दोनों ही नाराज होते हैं, फलस्वरूप जीवन में आर्थिक दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। इन चीज़ों के साथ साथ शनि जयंती पर तेल से बना भोजन या तेल से बना कोई भी पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शनि देव के ऊपर तेल चढ़ाया जाता है और शनि देव को तेल चढ़ाने की वजह से ही इस दिन तेल से बने भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए।
क्योंकि इससे शनिदेव नाराज होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में मुश्किलें बढ़ती हैं। तो ऐसे में शनि जयंती के दिन तेल से बनी हुई किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए, और इसके साथ साथ इस दिन इन चीज़ों का सेवन करना पाप के समान माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि शनि जयंती पर जो भी व्यक्ति मांसाहार, तामसिक भोजन और मदिरा पान करता है, उसके जल्द बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। हिंदू धर्म में शराब का सेवन राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ाने वाला माना गया है। इनके सेवन से शनि देव और माता लक्ष्मी की अप्रसन्नता का पात्र बन सकते हैं, जिससे आर्थिक और शारीरिक रूप से नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो शनि जयंती पर इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी शनि जयंती पर ना खाने वाली चीज़ों की जानकारी, और आपसे इस पोर्ट से अब हम इजाज़त लेते हैं। आपसे अगली मुलाकात होगी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा सस्नेह नमस्कार।